गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। सम स्पेशल डेज आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, दीज डेज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। कुछ खास दिन, कुछ स्पेशल डेज जो हैं हमारे पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। इन स्पेशल दिनों में हम नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। हमारे तीन नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। यहाँ सबसे पहला नंबर वन इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है, आप इसे देखेंगे और समझेंगे। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी। आवर कंट्री इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी कंट्री इंडिया जो है ब्रिटिशों के द्वारा, यानी अंग्रेज़ों ने इस पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है, रूल किया है। 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है ये ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ था। नंबर टू है हमारा गांधी जयंती, ये हमने लिखा है गांधी जयंती। हम इसके बारे में अब आपको कुछ बताएंगे। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी कौन थे, वो हमारे देश के फादर कहलाते थे। वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी एज गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। इस दिन हम महात्मा गांधी का बर्थडे के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये हम 2 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। पॉइंट नंबर थ्री इज़ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम किस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं? 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। इस दिन एक ग्रैंड परेड जो है राजपथ न्यू दिल्ली में होती है। अ ग्रैंड परेड टेक्स प्लेस एट राजपथ न्यू दिल्ली। बच्चों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंस डे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती भी और रिपब्लिक डे भी स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये तीनों आपके नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।